ग्रैंड चैन की तरफ से फर्ज का सलाम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और कुछ ना कुछ मूवमेंट करते होंगे बाजुओं की, टांगों की, जिससे हम हेल्दी रह सके और हमारी मूवमेंट जो है वो ठीक रह सके और मसल्स जो हैं हमारे वो काम करते रहें। जब हम 50 प्लस के होते हैं तो उसमें बहुत सारे इश्यूज आने लगते हैं, एजिंग की वजह से कोई मेडिकल इश्यूज भी हो सकते हैं हमारे। ये तो एक नॉर्मल इंसान के साथ है, लेकिन उन लोगों के साथ जिनको कोई इंजरीज की वजह से या कोई ऐसी बीमारियां हो जाती हैं जिनकी वजह से वो हर वक्त बैठ के रहते हैं क्योंकि वो खुद मूव नहीं कर सकते, या बैठने की कोई ऐसी वजह होती है कि वो बैठ नहीं सकते बहुत लंबे अरसे तक, तो वो लेटे रहते हैं बिस्तर पर, जिन्हें कि हम बेड रिडन कहते हैं। अब बेड रिडन जो है वो बहुत लंबे अरसे तक की ज़रूरत नहीं है कि उसमें हो, 20 दिनों के लिए भी किसी को बिस्तर पर लेटना पड़ जाए तो उसके लिए मूवमेंट का होना बहुत ज़रूरी है। अगर तो मरीज़ ऐसा है कि जो बिल्कुल अपने हाथ को नहीं हिला सकता तो फिर दूसरा जो भी उसका केयर टेकर हो उसको चाहिए कि वो उसकी मूवमेंट कराए, या फिर अगर आप फिजियो करवा रहे हैं तो फिर वो बंदा उसकी मूवमेंट करवाएगा। लेकिन जो उस तरह के मरीज़ जिसका हम ऊपर से कोई ऐसा केयर टेकर नहीं रख रहे होते, खुद करवाना होता है, तो फिर बेहतर यही है कि आप सुबह शाम बिल्कुल थोड़े थोड़े टाइम के लिए उसकी मूवमेंट ज़रूर करवाएं। एक तो ये है कि जब वो लेटा होता है तो उसको करवट ज़रूर दलवाएं थोड़े मिनटों के लिए बेशक, ताकि हवा भी लगे और उस साइड पे आप टॉवल के साथ या किसी की भी चीज़ के साथ उनकी थोड़ी सफाई कर सकें और उनको हवा भी पहुँचे, और फिर आप पाउडर वगैरह भी लगा सकते हैं अगर उस तरह की स्किन है तो। दूसरा ये है कि जब हम 50 प्लस के हों और इस तरह की कोई कंडीशन हो जाए तो जो हमारे मसल हैं वो वीक होना शुरू हो जाते हैं। मसल तो खैर उम्र के साथ साथ वीक होते हैं अगर हम इनकी केयर ना करें, हमारी डाइट अच्छी ना हो, तो इनमें दो चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। एक तो है कि डाइट प्रॉपर हो जिसमें सब चीज़ें शामिल हों। इसमें आपका एक्सरसाइज का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम उम्र के साथ साथ बड़े हो रहे होते हैं तो इसमें आमतौर पर देखा गया है कि जो 50 प्लस लोग हैं उसमें 10% पीपल जो हैं वो गेट इफेक्टेड फ्रॉम दिस, और वो कुछ ना कुछ उनके मसल्स का वीकनेस बढ़ जाती है, या जो मसल हैं वो अपना उनका जो ऊपर गोश्त होता है मसल का वो थोड़ा होना शुरू हो जाता है और वो वीक हो जाते हैं, और वो यही वजह है कि हम फिर एक्सरसाइज चूँकि नहीं करते और हमारा उम्र के साथ साथ या किसी बीमारी की वजह से हमारी डाइट भी जो है वो मुतासर होती है। तो हमें एक तो है कि डाइट का बहुत ख्याल रखना चाहिए, फिर ये है कि हम ज़रूर बेशक 5 मिनट के लिए क्यों ना हो हमें मूवमेंट हमारी करनी चाहिए। अब मूवमेंट का जहाँ तक है, जैसे कि हम दूसरी एक्सरसाइजेस करते हैं बड़ी उम्र के लोग, वो चलें वो हो सकता है कि वो बैठ के कर लेते हैं और खड़े होके कर लेते हैं या चलते हैं वॉक करते हैं, तो वो है। लेकिन ये लोग जो कि हर वक्त पड़े रहते हैं बिस्तर के ऊपर, उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपने लेटे लेटे अपना जैसे हाथ है उसको अगर वो खुद नहीं कर सकते तो दूसरा है बंदा वो उनको पकड़ के उसे कहे कि वो अपने हाथ पाँव को हिलाए और फिर उसकी मूवमेंट बेशक जितनी भी स्लो क्यों ना हो, मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि वो तेज़ मूवमेंट हो, वो स्लो मूवमेंट हो। जैसे है कि फिर उंगलियों को एक दूसरे के साथ पकड़ना, इससे बड़ा फ़र्क पड़ता है। फिर स्ट्रेच करना अपने पाम को उस तरह अपने आगे रखे हुए, तो उंगलियों को स्ट्रेच करें। हेड रोटेशन जो पहले नंबर पे है कि अपने सर को आप लेटे लेटे आप हिलाएं, जहाँ तक मुमकिन हो सके आप उस हद तक जाएं, और अगर आप मरीज़ जो है वो बैठ सकता है तो फिर तो वही है कि वो थोड़ा रोटेट भी करें अपने सर को। लेकिन अगर मरीज़ ऐसा है कि जो सिर्फ लेट सकता है तो उसे चाहिए कि अपने घर अपने नेक को और सर को बिल्कुल आहिस्तगी के साथ वो घुमाए। जो शोल्डर्स हैं आपके, कंधे जो हैं आपके, वो लेटे लेटे आप उनको ऊपर की तरफ, फिर थोड़ा ऐसे नीचे की तरफ, ये आप कर सकते हैं बिल्कुल स्लो मूवमेंट, जिस तरह मरीज़ का जितना मूवमेंट वो कर सकता हो। तो ये जो चीज़ें हैं ये बहुत ज़रूरी हैं। तो चलिए हम थोड़ा सा लेट के भी इसको एक्सरसाइज को देखते हैं कि कैसे करनी है। बेड रिडन जो पेशेंट है उनकी बात कर रहे हैं कि अगर कोई पेशेंट है जो कि अपने आप करवट नहीं ले सकता तो फिर जो कोई केयर टेकर है उसे चाहिए कि उसका आहिस्तगी के साथ उसको करवट दिलाए और थोड़ा बहुत सहलाए भी और थोड़ी हवा लगने दें। अगर गर्मियों के दिन हो तो थोड़ा सा कभी इसको ऊपर करके तो इतना करे कि वो खुश्क हो जाए अगर पसीना वगैरह आया,
उसके अलावा लेटे लेटे ऐसे मरीज़ जो कि बहुत ज़्यादा हरकत नहीं भी कर सकते, तो वो अपनी, जैसे कि मैंने पहले कहा था कि हेड रोटेट करें, यानी अपने सर को आहिस्तगी के साथ जितना वो कर सकते हो उसको करें। क्योंकि देखिएगा हर जगह के मसल्स होते हैं, तो इनको आपने अगर उसमें रखना है वर्किंग हालत में, तो आपको थोड़ी बहुत मूवमेंट ज़रूर करनी चाहिए, वरना ऐसा ऐसा मसल्स कमज़ोर हो जाते हैं और फिर बहुत ही ज़्यादा मुश्किल पेश आती है, दर्दें भी शुरू हो जाती हैं और आप कोई काम भी नहीं कर सकेंगे ऐसा ऐसे। इसके अलावा अब जैसे हम लेटे हैं तो अपना ये जो पाम है, अब इस ये हाथ की जैसे है, तो उसको उंगलियों को फैलाएं, स्ट्रेच करें जब तक वहाँ रखें थोड़ी देर के लिए, और ये 4 से 5 मरतबा इसको दोहराएं। अगर कोई मरीज़ इस तरह नहीं रख सकता अपना हाथ, तो जो दूसरा बंदा है वो उसकी हेल्प करें और उसको सहारा दे, लेकिन मरीज़ को ज़रूर मूवमेंट कराएं आप। इसके अलावा इसको पकड़ें और रिस्ट को मरीज़ थोड़ा सा घुमाए ताकि उसकी रिस्ट भी थोड़ा बहुत मूवमेंट करे। इसके साथ साथ अब हम देखते हैं कि अपने शोल्डर जो हैं वो लेटे लेटे ऊपर करें और फिर उनको नीचे अपनी पोजीशन पर ले आएं, फिर ऊपर करें, और इस तरह 5 से 5 से शुरू कीजिएगा। फिर आहिस्ता आहिस्ता अगर मरीज़ अच्छा फील करे तो वो इसको बढ़ा सकता है। अब इसके बाद हम आ जाते हैं आर्म जो है उनको हम कैसे रेस करेंगे। अब आर्म अगर मरीज़ खुद कर सकता है तो वो करे, वरना फिर उसका जो भी हेल्पर है वो उसको जहाँ तक भी बग़ैर दर्द के ले जा सकता है वो लेके जाए, और इसी तरह दूसरा बाजू भी। फिर दूसरा ये है कि ये जैसे एक बाजू है तो उसको मरीज़ कोशिश करे दूसरे बाजू की तरफ ले जाने की, और इसी तरह वापस लेके आए, फिर दूसरा हाथ भी इसी तरह मरीज़ उस तरफ लेके जाए। ये बहुत ही एक अच्छी मूवमेंट है जो कि 2-3 मरतबा भी अगर कोई मरीज़ करे तो उसके लिए बहुत बेहतर है, और अगर मरीज़ खुद ना यहाँ तक लेके जा सके तो जो भी उसका हेल्पर है वो इसको ज़रूर लेके जाए। अब है कि आप इसी तरह जिस तरह के हमने बाजुओं को मूवमेंट दी है, इसी तरह आप अपनी लेग्स को अपनी दूसरी लेग से दूर ले जाने की कोशिश करें। ये भी आप अपनी बॉडी की देखते हुए स्ट्रेंथ पे आहिस्ता आहिस्ता करें, फिर आप दूसरे पाँव को लेके जाएं और फिर वापस लेके आएं। तो ये आहिस्ता आहिस्ता आज हम इतनी ही मूवमेंट्स आपको बता रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता हम इसको और भी आगे भी बताएंगे कौन कौन सी मूवमेंट्स हो सकती हैं, और फिर हम मसल्स के बारे में भी और बात करेंगे कि वीकनेस क्यों होती है, 50+ के बाद ये ज़्यादा बढ़ जाती है इसमें। फिर जैसे कि मैंने आगे भी कहा कि डाइट का बहुत बड़ा हाथ है, तो डाइट अपनी प्रॉपर लें, 30-40 ग्राम आमतौर पे डॉक्टर्स कहते हैं कि मरीज़ को लेने चाहिए प्रोटीन के, मीट के, तो ये वाला रखें, फ्रूट्स का इनटेक रखें, और जो भी अगर तो मेडिकल इश्यूज हैं तो डॉक्टर के मुताबिक डाइट लें, वरना आपको मालूम है कि फ़ाइबर वाली चीज़ें लें, सैलड्स लें, इस तरह की चीज़ें लें। तो चले आए इंशाल्लाह, मेरा ख्याल है कि ये अगर ये हमें मालूमात इसलिए हम शेयर करते हैं कि किसी के भी घर में कोई मरीज़ हो सकता है, या हमारे अपने साथ ये वाला चीज़ वाक़या हो सकती है कि हमारे मसल्स ऐसा ऐसा वीक हो जाते हैं, तो हमें मालूम होना चाहिए कि हमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हमारी जैसी उम्र बढ़ रही है तो हमें भी ज़रूरत है कि हमें मालूम हो कि अगर हम बहुत ज़्यादा एग्रेसिव किस्म की एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं तो ये लेटे लेटे हम अपनी मूवमेंट्स कर सकते हैं। जैसे अगर मैं नहीं कर सकती कोई एक्सरसाइज पूरे दिन में, तो मुझे चाहिए कि मैं सोने से पहले ये वाली एक्सरसाइज दोहराऊँ ताकि हमारी जो मूवमेंट्स हैं वो होती रहें। तो इंशाल्लाह मुलाकात होती है फिर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, खुदा हाफिज़। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।